हेलो गाइस, दिस इज़ ब्रोस प्रो और आज हम जानेंगे मल्लार राव होलकर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं होलकर घराने के बारे में। होलकर घराना एक मराठी घराना है जो धनगर समाज के हैं। बाजीराव पेशवा के वक्त होलकर मराठा सरदार थे जो बाद में इंदौर के महाराजा बने। होलकर घराने ने 1818 तक राज किया। मल्लार राव होलकर ने होलकर घराने की स्थापना की। उन्होंने 1721 को पेशवा के साथ मराठा साम्राज्य के विस्तार के काम को शुरुआत की। पेशवा ने होलकर को मालवा प्रदेश का व्यवस्थापन करने को कहा। मल्लार राव धनगर समाज के थे। उनके पिता खंडूजी विरकर भेड़ पालन करते थे। मल्लार राव का जन्म बारामती के होल गांव में हुआ। महज 3 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता खंडूजी विरकर को खो दिया। पारिवारिक मतभेद की वजह से उनको उनके मामा के पास सुल्तानपुर के तलोदे गाँव में भेज दिया। अपने बचपन से ही मल्लार राव सभी प्रकार के खेलों में सबसे अव्वल रहे। कम उम्र में वो दाभाड़े सरदार कंठाजीत कदम बांडे की फौज में सिपाही थे। उनका शौर्य देख छोटे बाजीराव की उनसे अच्छी दोस्ती हुई। आगे बाजीराव पेशवा ने मल्लार राव होलकर को युद्ध में शामिल कर लिया और मल्लार राव ने भी अपने पराक्रम से बाजीराव पेशवा का विश्वास जीत लिया। बाजीराव पेशवा ने उन्हें 1729 में मालवा प्रांत की सूबेदारी दे दी। सुल्तानपुर के उनके मामा भोजराज, जिनकी कन्या गौतमी के साथ मल्लार राव की शादी हुई, उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने खंडेराव रखा। जेजुरी के देवता खंडोबा पे उनकी बहुत श्रद्धा थी। उन्हीं के नाम से उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा। जेजुरी के मंदिर का कुछ काम उनके ही वक्त हुआ है। धीरे धीरे मल्लार राव का पराक्रम और ताकत उत्तर भारत में बढ़ने लगी। 1733 को मानकोजी शिंदे की बेटी अहिल्याबाई की शादी खंडेराव होलकर के साथ हुई। 1754 में जाट राजा सूरजमल के कुम्हेर किले को अहमद शाह अब्दाली का साथी सफदरजंग ने घेर लिया। सूरजमल के बचाव में खंडेराव होलकर कुछ सेना लेकर गए थे, तभी सूरजमल के तोहफों से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी 10 पत्नियां थीं। अहिल्याबाई को छोड़कर बाकी सभी पत्नियां सती चली गई। खंडेराव के बाद उनके बेटे मालेराव होलकर को गद्दी पर बिठाया गया। क्योंकि मालेराव छोटे थे और मल्लार राव की उम्र भी ज़्यादा थी, इसलिए मालवा को अब अहिल्याबाई संभालती थी। अहिल्याबाई के बारे में हम एक वीडियो पहले से ही बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अहिल्याबाई की जब शादी हुई तब वह बहुत छोटी थी। मल्लार राव ने अहिल्याबाई को बचपन से ही सभी अच्छे संस्कार दिए और एक अच्छा शासक बनाया। उन्होंने कभी अपने बेटे और अहिल्याबाई में भेदभाव नहीं किया। राजनीति और धर्म की सही पहचान अहिल्याबाई में देखकर मल्लार राव ने बड़े ही विश्वास के साथ मालवा की जिम्मेदारी अहिल्याबाई के कंधों पर दे दी। दुर्भाग्यवश छोटे मालेराव भी कम उम्र में ही चल बसे। मल्लार राव और अहिल्याबाई ने बड़े ही धैर्य के साथ इस दुख का भी सामना किया। 1758 तक मराठों ने भारत भर में भगवा फैलाया। इसका बड़ा श्रेय मल्लार राव को भी जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मल्लार राव होलकर ने सदाशिव भाऊ को कनीमी कावा से पानीपत का युद्ध लड़ने की सलाह दी थी, पर सदाशिव भाऊ ने इससे इनकार कर दिया था। पहले ऐसे कहा जाता था कि मल्लार राव पानीपत का युद्ध बीच में छोड़ के वहाँ से भाग निकले थे, पर बाद में संजय सिरसागर इस इतिहासकार को मिले सबूतों के अनुसार मल्लार राव शाम तक पानीपत में युद्ध कर रहे थे। उन्होंने उनके सरदार संताजी वाघ को सदाशिव भाऊ की मदद करने के लिए भेजा था। पानीपत के युद्ध के बाद उनकी पत्नी 1761 में चल बसी। इससे मल्लार राव को बहुत दुख हुआ। पानीपत में मराठों के हुए नुकसान की वजह से मल्लार राव बहुत परेशान थे। शिंदे घराने के साथ उन्होंने मराठों की ताकत भारत भर में फिर से बढ़ाने की शुरुआत की। 20 मई 1766 में मल्लार राव चल बसे। मल्लार राव ने अपनी ज़िंदगी में 4 पेशवाओं के साथ काम किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य का सपना सच करने में मल्लार राव का बहुत बड़ा हाथ है। एक साधारण भेड़पाल से लेकर इंदौर के महाराजा तक का सफ़र मल्लार राव ने महान योद्धा और एक महान शासक होकर निभाया। भारत के इतिहास में महाराज मल्लार राव होलकर का नाम अमर रहेगा। अब जानते हैं रिचर्ड होलकर कौन है। रिचर्ड होलकर मालवा और इंदौर के होलकर राजवंश के अंतिम राजा यशवंत राव होलकर के बेटे हैं, जिन्होंने एक अमरीकी महिला से शादी की। उनका जन्म 1944 में हुआ था और उनकी विरासत में मिली पारिवारिक संपत्ति को देखभाल करने के अलावा वो अक्सर भारत में आने वाले यात्री है और नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर में अपने पारिवारिक महल में रहते हैं जो होलकर की राजधानी थी। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।